पेरेंट्स, आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी कि बच्चों को एडजेक्टिव किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन, वर्ड्स विच डिस्क्राइब समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे शब्द जो किसी भी वर्ड के बारे में या किसी भी शब्द के बारे में एक्सप्लेन करें, उसके बारे में समझाएं कि वो एक्चुअल में होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। तो इसमें आते हैं एडजेक्टिव्स में कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे अभी फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिर्फ 4 काइंड्स ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट आता है इसमें क्वालिटी, सेकंड वन इज क्वांटिटी, थर्ड इज नंबर और फोर्थ इज कलर। ये काइंड्स में नहीं आता, बट कलर के अकॉर्डिंग भी बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कलर का यूज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर भी लिखा है। तो बच्चों को सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं सभी काइंड्स के। फर्स्ट एग्जांपल इज रीता इज अ वाइज गर्ल। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है रीता की? रीता इज ए वाइज गर्ल। उसके बाद अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका कौन, कैसा किंग है? ग्रेट किंग। तो ग्रेट क्या हो गया? उसकी क्वालिटी हो गई। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। शी हैज मच मनी। तो मच क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी। आई वांट सम मनी। सम क्या है इसमें? क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जहाँ पर नंबर्स का यूज होगा। He has 5 pens. 5 क्या हो गया? Adjective. She has 2 pencils. 2 pencils. Adjectives of color. जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर की बात करते हैं, जैसे She has black hair. Black क्या हो गया? Adjective. She has a brown. Sorry. He has a brown dog. Brown क्या हो गया? Adjective. तो बच्चों को कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देकर आप एडजेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मैचिंग। जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दें कि एडजेक्टिव्स किस टाइप से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मतलब मैचिंग आप करा सकते हैं, जिससे बच्चे को पता चलेगा कि नाउन और प्रोनाउन को हम किसे किस तरीके से उसकी विशेषताएं बताते हैं। जैसे वाइज, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है। मैंने एक तरफ एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, दूसरी तरफ नाउन और प्रोनाउन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? वाइज। तो वाइज क्या होता है? वाइज के लिए हम क्या करेंगे? वाइज क्या हो सकता है? गर्ल। उसके बाद हॉट। हॉट के लिए बच्चा सर्च करेगा, हॉट क्या होती है? कॉफी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए क्या रखेंगे? रोज। टू, टू के लिए क्या होगा? लेग्स। स्वीट, केक। बिग, एलिफेंट। तो आप इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल देकर आप मैचिंग कराइए, जिससे कि बच्चे को आइडेंटिफाई हो कि हम एडजेक्टिव किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसमें क्या करना है? सर्कल द एडजेक्टिव्स इन अ गिवन सेंटेंसेस। क्या करना है बच्चे को? एडजेक्टिव को सर्कल करना है। फर्स्ट है इसमें मैनी वुमेन वर देयर। तो एडजेक्टिव मैंने आपको बताए थे क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर और नंबर। तो यहाँ पे मैनी कौन सा वाला है? ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम मैनी को सर्कल करेंगे। उसके बाद कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो कोलकाता कैसी सिटी है? बिग है। तो ये क्वालिटी हो गई बिग। शालू इज इंटेलिजेंट गर्ल, क्या है? क्वालिटी।
तो इस तरीके से बच्चे को सर्कल करने के लिए दीजिए। मैंगो इज स्वीट, स्वीट। शी वियर्स अ रेड ड्रेस, रेड। रवि हैज फाइव चॉकलेट्स, तो फाइव क्या हो गया, नंबर। द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, क्लेवर, ये उसकी क्वालिटी हो गई। रवि हैज अ ब्लैक कैट, ब्लैक क्या हो गया, कलर हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चे को एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अपोजिट वर्ड्स। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पिक्चर बनाई है स्टार, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, जो कि यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उसके अपोजिट वर्ड हैं। तो बच्चे को हिंट देने के लिए यहाँ पे हमने पहले वर्ड्स लिखे हैं, अब बच्चों क्या करेगा, इसका वर्ड को सर्च करेगा कि बिग, बिग का अपोजिट क्या होता है, वो इसको इस इमेज में ढूंढना है। तो इस तरह से आप पिक्चर बना कर दीजिए बच्चों को, तो बच्चा जो है पिक्चर में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको करने में भी, और बाद में उसको आप कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आता है सबसे पहले बिग, तो बिग का क्या होता है अपोजिट, स्मॉल। तो यहाँ पे स्मॉल। हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड। फास्ट, स्लो। सॉफ्ट, हार्ड, यहाँ पे लिखा है हार्ड। न्यू, ओल्ड। गुड, बैड। लाइट, हैवी। अगली, इससे क्या होगा, बच्चों को कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और अपोजिट वर्ड भी सीखने को मिलेंगे, और साथ के साथ बच्चे को एडजेक्टिव की नॉलेज भी होगी। उसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, दो ही एग्जांपल लिखे हैं मैंने इसके, आप इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बनाकर बच्चों को करा सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, द गर्ल इज टॉल, इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव इज, मैंने क्या किया यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए हैं, चार ऑप्शंस में से बच्चे को ये देखना है कि क्या इसमें से सही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन की जब भी हम विशेषता बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द गर्ल इज टॉल, तो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है टॉल, तो टॉल हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, द गर्ल इज टॉल, दिस इज राइट आंसर। उसके बाद आता है, द बॉय हैज शॉर्ट हेयर, इन द सेंटेंस द एडजेक्टिव इज, तो यहाँ पे भी बच्चे को सर्च करना है, लॉन्ग, ब्लैक, बॉय, शॉर्ट, तो क्या आंसर करेक्ट होगा, बॉय के हेयर्स कैसे हैं, शॉर्ट हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज शॉर्ट। तो आप इस तरीके से मल्टीपल चॉइस करके भी बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। ये मेथड बहुत ही इजी है बच्चे को एडजेक्टिव सिखाने के लिए, और किस तरीके से हम बच्चों को नए नए वर्ड सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।